अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले इसका कटिंग दिखाए थे, कलीदार कुर्ता है, यानी इसका पेट ज़्यादा है और सीना कम है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सामना पल्ला बनाएंगे और इसमें पैकेट में इसका चैन रहेगा, यानी पैकेट में जीप रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ताबीजी बनाएंगे। ऊपर से 13.5 इंच का मार्क लगाएंगे और बाकी कपड़ा कटिंग कर लेंगे। 20 सेंटर रख करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये ताबीजी का बटन पट्टी है मैंने प्रेस से पहले से फोल्ड कर रखा हूँ। एक काज पट्टी का एक किनारी का सिलाई पहले मार लेंगे। बाकी मेन पल्ला है, अंदर एक ही दाब का मार्जिन रखेंगे। इस तरह पकड़ के इसको हम बैठा लेंगे और यहाँ पे इसका पॉइंट बना लेंगे। मैंने एक फोल्ड ऐसे किया, दूसरा फोल्ड इस तरह किया, तीसरा फोल्ड इस तरह किया ताकि ये पॉइंट अच्छा निकले। ऊपर से हम 9 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच का 5.5 इंच पैकेट रहेगी। और ये पैकेट का कपड़ा है, जैसे हम बैग पॉकेट बनाते हैं इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। बाकी किनारी का कपड़ा है, हम इसको कट कर लेंगे। और ये कपड़ा को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। बाकी इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह कोना कट करेंगे। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। तो ये दोनों पल्ला को हम इस तरह रख लेंगे और ये ऐसे हम कर लेंगे, यानी इसको हम पैक नहीं करेंगे। एक पल्ला को हम नीचे वाले पल्ला को छोड़ देंगे खाली,
बॉन्ड बनाए हैं उसको हम पैक करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम उसको कोई जेब इस तरह रहेगी। तो हम इस तरह रख लेंगे और तो ये हमारा पैकेट भी बन गया, जिप भी लग गई। अब नीचे का थैला बनाएंगे। कर लेंगे और इसमें ओवरलॉक कर लेंगे। तो अब ये बैक पल्ला को हम इस तरह रख लेंगे। इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, यानी इसको सुल्तानी मोड़ लेंगे। ऊपर से किनारी का सिलाई रहेगी। एक कॉलर मैं पहले से बना रखा हूँ, वो इतना कटिंग होगी तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और ये आगे बिल्कुल गोल रहेगी। बटन पट्टी के साइड से हम कॉलर लगाएंगे, यानी उल्टा साइड से कॉलर लगाएंगे। आगे पलटी जब होगी तो सीधा में आ जाएगी। और ये दोनों चटका में चटका मिला लेंगे, यहाँ पे बीच में चटका मार लेंगे। एक बार नाप करके देख लेंगे, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अब हम साइड का कली बनाएंगे। तो ये साइड का कली है। तो सबसे पहले साइड में चिप्स मार लेंगे, यानी किनारी जैसे दामन मोड़ते हैं ना कुर्ते का, उस तरह मारेंगे। तो मैं इसको एक ही सिलाई पर मारूँगा। तो ये कली
यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे एक दाब का मर्जी रहेगा, यहाँ पे आधा दाब का मर्जी। अब इसको यहाँ से बराबर करके सिलाई मारेंगे। अब इसको खोल लिए, अब इसका पैकेट लगा लेंगे। पैकेट मैं पहले से बना के रखा हूँ। अब ये आस्तीन पे यहाँ पे सिलाई मार लेंगे। पहले हम इसको कच्चा सिलाई मार लेंगे। तो हम पहले सबसे पहले आस्तीन को सीधा कर लेंगे, इस तरह रख लेंगे। तो ये जो मियानी है ना, ये बाजू रहेगी। अब इसको हम इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ से आस्तीन को दोनों साइड ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोनों जॉइंट को इस तरह पकड़ लेंगे, यहाँ पे चटका मारा हुआ है। तो ये फ्रंट पल्ला लेंगे इस तरह। तो ये फ्रंट पल्ला इस तरह ले लेंगे। बाकी ये जो चटके का जॉइंट है, ये जॉइंट और ये बीच सेंटर का जॉइंट मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ ऐसे पकड़ लेंगे। एक दाब का मार्जिन लेंगे। बाकी जो कली का पल्ला जो बढ़ रही है उसको हम कटिंग कर लेंगे। जो इतना बढ़ रही है इसको मिला लेंगे एक जैसा और इसको कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह दूसरा साइड में भी आपको कली मार लेना है। मारने के बाद क्या है, इसको कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो शोल्डर के पास एक दाब का सिलाई मारना है आपको। इस शोल्डर के पास ये बाजू पलटी करके जॉइंट एक दाब का सिलाई मारना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगी। दामन मोड़ देना है, ऊपर से एक दाब का सिलाई मार देना है ये आर्म होल के पास। तो हमारा ये कलीदार कुर्ता कंप्लीट हो जाएगी।